हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सब सब ठीक ठाक हैं आप लोग? दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन लाइव, जिसके अंदर जो है वो मैंने आज जो एक कंटेंट छोटा सा जो आप लोगों के लिए सोचा हुआ था, वो था कि हमें डेली रूटीन में किस तरह की चीज़ खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ छोटा सा, उसमें जो है वो डेली मैंने जैसे कि पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि अर्ली टू बेड एंड वेकअप टू अर्ली। अब वेकअप टू अर्ली के अंदर जाहिर सी बात है, नमाज़ के लिए आप उठेंगे माशाल्लाह से, फजर की नमाज़ के साथ अपनी नए दिन का आगाज़ करें। देन उसके बाद जो है वो फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है हेल्दी। उस ब्रेकफास्ट के अंदर चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चा हो या वो ऑफिस जाता हुआ बंदा हो, दो अंडे तो खाने हैं आपने, बॉयल एग। दो बॉयल एग बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और बच्चा जो है वो एक खा ले, और उस दो बॉयल एग में से जो है वो आप जर्दी हटा दीजिएगा, जर्दी नहीं खाइएगा जो यंगस्टर है स्पेशली। देन उसके बाद फिर आपने जो है वो स्लाइसेस लेनी है, उस स्लाइसेस को हल्का सा जो है वो टोस्ट बना के उसमें से मक्खन लगा ले, उसमें मक्खन ला के ब्रेकफास्ट कर लें। ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। देन उसके बाद फिर आपने, अगर 10 बजे आप ऑफिस वाले हैं, बच्चे तो अपना लंच बॉक्स लेके जाते ही हैं, तो आलमंड का इस्तेमाल कर लें। सर्दियाँ भी हैं, आलमंड है, मूंगफली आई हुई है, पीनट्स आए हुए हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लें। देन उसके बाद फिर 1 बजे लंच के अंदर जो आप लंच कोशिश करें, मैंने मैक्सिमम ऑफिस वाले लोगों को देखा है कि वो लोग लंच जो है वो बाहर से करते हैं, ये गलत है। डेली बाहर का खाना खाना तो अननेसेसरी है ना, आप अपनी जेब पे बटन डाल रहे हो, फिर आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपने जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि आपने अपने घर का खाना खाना है, चाहे वो जैसा भी बना हुआ, आपके मतलब का बना हुआ, भले एक रोटी खाओ लेकिन खाओ भाई घर का ही खाओ। महीने में एक बार चलता है बाहर का खाना, डेली नहीं चलता। डेली के अंदर फिर वो आप अपनी वेस्ट लेके घूम रहे होगे 40, वो बड़ा मसला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है, बैड फैट बढ़ेगा, ठीक है, फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको आफ्टर 40 पता चलता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, LDL बढ़ जाता है, इसके अलावा जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, रनिंग आप लोग करते नहीं हैं, शेड्यूल आप लोगों का कोई बना नहीं होता, इसलिए घर का खाना ज़रूरी है। शाम में जब ऑफिस से घर आएँ, बेहतरीन करके फैमिली के साथ टाइम दें अपनी, एक कप चाय के साथ, और जो आपकी रूटीन लाइफ है उसको करें। रात का खाना आपने 8, 8:30, 9 बजे खा ले रहे सर, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि रात के खाने पे और सोने वक्त के टाइम में जो है वो 10 घंटे का वक्त, जब आप सोएं तो 1 घंटा पहले, रात का खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद सोएं, और सुबह में जो होना चाहिए वो 10 घंटे के वक्त पहुँच जाइए ब्रेकफास्ट, ये ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है मोमन कि हम खाना खाते हैं 12-1 बजे और वहीं लंबे तान के सो जाते हैं, हाँ यार चलो सो जाते हैं, गलत है। या वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, या फिर हम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, ये गलत है। ये अपनी लाइफ के साथ खेलो ना, क्योंकि आफ्टर 35-40 इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, फिर आपकी लाइफ और स्ट्रेस जो है वो बनती नहीं है। मैं भी जो हूँ वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आप चीज़ों के ऊपर, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करूँगा, और अपनी हेल्थ से मुताल्लिक कुछ चीज़ों को जो है वो मैंने अंदर का डिस्टेंस रखा हुआ था। मैंने आपको पहली वीडियो बनाया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सेहत के मुताल्लिक, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, देन उसके बाद ये क्योंकि मैं पहले जिम जाता रहा हूँ तो मैं अपनी वीडियोज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर कर रहा हूँ। मज़ीद इस चीज़ को और फोकस और इस लेवल पर फोकस करूँगा कि मैं अपनी नई यूथ को, नई जनरेशन को ये बोलूँगा कि भाई अब प्रैक्टिकल बनो, अब आओ एथलीट बनो, अब लाओ बॉडी बिल्डर्स बनो। कब तक हम अंग्रेज़ों को देख के खुश होते रहेंगे? हम लोग भी तो करें ही सारे काम, हम कब करेंगे? हमारे लिए ये चीज़ इतनी महंगी थोड़ी है भाई, उनके लिए होनी चाहिए, करना तो हमने है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को दिया। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसका डेप्थ ओवरविजन चाहिए जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों कवर करूँगा। थैंक यू।